अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर आमिर रशीद एंड वेलकम टू माय चैनल द वाइल्ड पेट्स। सो गाइज, आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो जो हमारी है, इट इज़ टोटली अबाउट एनेस्थीजिया ऑफ एन एनिमल। जैसे कि हमने एनेस्थीजिया ऑफ जू एनिमल्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। सबसे पहली वीडियो जो थी वो जो हमारी थी वो एक एनेस्थीजिया अबाउट द वाइट लाइन थी, कि एक वाइट लाइन को हमने कैसे एनेस्थीजिया दिया फॉर द सेक ऑफ जनरल एग्जामिनेशन, और उसकी आई ट्रीटमेंट हमने की और उसको इंजेक्शन जो इंट्रा कंजक्टिवल इंजेक्शन लगाते हैं उसको लगाने का तरीका आपको बताया था। तो आज की जो वीडियो है ये भी एक इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज हम लोग एनेस्थीसिया देंगे पूमा को फॉर द सेक ऑफ जनरल एग्जामिनेशन। जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी दूसरी वीडियोज़ के में भी, कि बीइंग अ जू वेटनेरियन और बीइंग अ वेटनेरियन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जब आप कैप्टिव एनिमल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आई सजेस्ट कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ के बाद एक दफ़ा एनिमल को ज़रूर कैप्चर कर लेना चाहिए। आपकी कैप्चर टेक्निक कोई भी हो सकती है, इट्स मे बी अ फिजिकल टेक्निक, मे बी अ केमिकल इमोबिलाइजेशन, सो कि ताकि आप उसका जनरल एग्जामिनेशन कर सकें और उसको देन ब्लड प्रोफाइलिंग करने के बाद आप अपना नेक्स्ट न्यूट्रिशन प्लान, नेक्स्ट मेडिकेशन प्लान एंड देन प्रोफिलेक्टिक मेडिकेशन प्लान को सेट कर सकें। सो गाइज, आज जो वीडियो है इसके ऊपर हम पूमा को सेडेट करेंगे। तो एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनिमल जो आज सेडेट करने जा रहे हैं डेट इज़ पूमा मेल, और इसकी एज है अबाउट 4.5 ईयर्स के करीब, और उसका वेट है 52 kg। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वीडियो में, डिस्कस करेंगे अबाउट दी के प्री एनेस्थेटिक प्रोटोकॉल्स कौन से होने चाहिए ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। आपको किन किन चीज़ों को अपने जहन में रखना है बीइंग अ वेटनेरियन, और पोस्ट एनेस्थीसिया कौन कौन से पैरामीटर्स एंड कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपको अपनाने। सो हमने ये सारी की सारी चेकलिस्ट बना ली, और देन हमने मेडिकेशन जो है एनेस्थीसिया उसको सेलेक्ट कर लिया। डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए डिफरेंट एनेस्थीसिया यूज़ किए जाते हैं, एंड डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए भी डिफरेंट एनेस्थीसिया यूज़ किए जा सकते हैं। हम एनेस्थीसिया के ऊपर एक मुकम्मल जो वीडियो है उसको ज़रूर एक बना के पब्लिश भी करेंगे। सो आज के लिए जो एनेस्थीसिया मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो मेरिडोमिडीन है विद सप्लीमेंटेशन ऑफ केटामिन। सो गाइस, अगला प्रोसीजर हम जाके करते हैं फील्ड में परफॉर्म। लेट्स गो इन अ फील्ड।
I'm gonna put a fly. Baby, you give me a bit later. You whip up my appetite. Don't leave me alone. दिस वॉज द प्रोसीजर जो हमने आज परफॉर्म किया. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, उसको शेयर कर लें. थैंक यू.